केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं नैना मिश्रा, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर केलांचल टाइम्स की टीम लगातार सक्रिय मोड में है, यानी कि अब तक सारी खबर पहुंचाने की कोशिश में है। हमारी टीम आज पहुंची हुई थी 18 निर्वाचित क्षेत्र संख्या गोड्डा मध्य, जहाँ से जिला परिषद की प्रत्याशी साबरा खातून जी हमारी बातचीत थी। साबरा खातून जी एक महिला उम्मीदवार है, महिला उम्मीदवार होने के साथ साथ घर को लेकर के और समाज को लेकर के उनका दायित्व भी बढ़ जाता है। ऐसे में क्या मुद्दे लेकर के आई है वो इस बार चुनाव में, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स, मैं हूँ ओंकार झा। झारखंड में चुनावी बिगुल बजा हुआ है, चुनावी लहर है, प्रत्याशी अपना नामांकन करके चुनाव प्रचार में जोर शोर से लग गए हैं। अभी हमारी पूरी टीम गोड्डा में है, गोड्डा सदर प्रखंड में, और यहाँ पे मेरी मुलाकात साबरा खातून जी से हुई, जो जिला परिषद के भावी प्रत्याशी हैं, और उनके प्रतिनिधि अख्तर अंसारी जी, इनसे ही बात करते हैं कि इनका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है, किन कारणों से मैदान में आए हैं, इनके अंतर्गत 8 पंचायत आता है, 8ों पंचायत में क्या समस्या है, इनसे ही जानेंगे। और इनका चुनाव चिन्ह जो है चूड़ी छाप, ये एक महिला है, महिलाओं का गहना होता है चूड़ी, अब इन्हीं से बात करते हैं। मैडम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में, क्या नाम है आपका? साबरा खातून है। आपका चुनाव चिन्ह तो बहुत अच्छा है, चूड़ी छाप, जो कि एक महिला का गहना है। अब हम बात करते हैं इनके प्रतिनिधि अख्तर अंसारी जी से। अख्तर जी, आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? देखिए, पहली बात तो के जितना भी पूरे पंचायत में जो है वो जितने भी जनता है वो हम बहुत अच्छी तरह से पहले से ही सेवा करते हुए आए हैं जी, और मेरा उद्देश्य यही है कि हर जनता का यही आवाज़ है कि आप आते जाते हैं, आप सबको ही सेवा करते हुए आते हैं, इसलिए आप भी लड़िए। आप हर जगह से हर समय से आते हैं, जब भी बुलाते हैं आप आते हैं, इसलिए जो है ना आप ही को चाहत है, इसलिए इस बार आप चुनाव लड़िए, जनता की सेवा पंचायत के विकास के लिए आप आ रहे हैं जी। अब हम बात करते हैं जिला पार्षद के अंतर्गत, आपके अंतर्गत 8 पंचायत आता है जी, 8ों पंचायत में समस्या क्या है? समस्या यही है, किसी को मान लिया कोई एम्बुलेंस का कमी है, उसको पूरा किया जाएगा, जो भी गांव में विकास है उस काम को पूरा किया जाएगा। मुझे आधी रात में अगर बुलाया जाए तो मैं भी वहां पहुंच जाऊंगा जी, कोई भी समस्या हो, कहीं कुछ भी लेकर के हो, मैं फोन करते हुए मैं आ जाता हूं और मैं आता रहूंगा। अगर आप चुनाव जीतते हैं जी, 8ों पंचायत की जनता आपको अपना जिला पार्षद बनाती है जी, तो उनके लिए क्या क्या काम करेंगे? 10 ऐसे काम बताएं जो आपके 10 ऐसे काम है, जो भी सेवाएं हैं, जितनी भी सेवाएं हैं, जैसे चापाकल कोई खराब हुआ उसका मैं सब निदान करूंगा, एम्बुलेंस का निदान करूंगा, कोई भी समस्या हो उससे हर तरह से मैं निदान करूंगा, वृद्धा पेंशन लेकर से लेकर पूरा इंदिरा आवास तक मैं सारी समस्याओं का निदान करूंगा। आपका कहने का मतलब है जो भी योजनाएं आएंगी, चाहे वो वृद्धा पेंशन का हो, विकलांग पेंशन का हो, विधवा पेंशन का हो, आप उसको धरातल पे उतारेंगे जी? बिल्कुल, आवास योजना उस गरीब को ही मिलेगा जो उसका लाभार्थी हो, लेने के लायक हो, लेने के लायक हो, आप उसी को आवास योजना दिलाएंगे। हम बात करते हैं आपके पंचायत में कुछ समस्याओं, जैसे आपके पंचायत में जब हमारी टीम घूम रही थी जी, तो पता चला कि आपके पंचायत में बालिकाओं के पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं है, कई पंचायत में दिखाई पड़ा जी, तो इस व्यवस्था को कैसे देखेंगे आप? इस व्यवस्था को मैं आगे से लेकर अगर जीत के आऊंगा, इसको लेकर आगे मैं अर्जी करूंगा जी, उसको दिलाने का मैं पूरी कोशिश करूंगा, मेहनत जी तोड़ करूंगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप जीत के आते हैं तो सरकार से बात करके इसको लाने का कोशिश करें जी, बालिका स्कूल का लाने का प्रयास करें जी जी। अब शिक्षा के बाद बात करते हैं स्वास्थ्य, उप स्वास्थ्य केंद्र की जी, आपके कई पंचायत में, 8 पंचायत में से कई पंचायत ऐसा दिखाई पड़ा जहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था नहीं है जी, तो वहाँ की जो जनता है वो अपना इलाज कराने कहाँ जाएगी यार, उस व्यवस्था को आप कैसे देखेंगे? मैं तो कहते आया हूँ कि मैं जीत के आऊंगा, सबसे पहले एम्बुलेंस का प्रावधान करूंगा जी, स्वास्थ्य केंद्र में जो भी डॉक्टर अगर नहीं आ रहे हैं तो उसको मैं भी व्यवस्था करवाऊंगा, और कहीं मतलब यहाँ से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सबका मैंने यही व्यवस्था, डिलीवरी वगैरह जो भी है समस्याएं स्वास्थ्य केंद्र में ही
हो गया जाएगा। ये बहुत अच्छी सोच है और बहुत अच्छी पहल लेके आप आए हैं कि आप एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे कि आने जाने वाले मरीजों को दूर ना जाना पड़े, और दूर भी जाना पड़े तो अपना एम्बुलेंस है पंचायत में, आप उनसे भेज सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे युवाओं के लिए, यहाँ पे युवाओं के लिए खेलकूद का मैदान नहीं है, इस व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं? खेलकूद के लिए जो है समस्याएं वो जैसे देखें, कहीं अगर उसका मैदान है उसको खेलने का कुछ प्रावधान किया जाएगा, उसका कोई क्लब बनाया जाएगा जी, और उसको हम लोग धरातल पर उतारने का पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे जी। अब आपसे लास्ट सवाल, पंचायत की जनता को संदेश क्या देना चाहते हैं, अपील क्या करना चाहते हैं? संदेश यही मैं देना चाहता हूं कि जितने भी समस्त जनता है सबको सहयोग करें, और मैं दिन रात एक करके खून पसीने के साथ मैं जनता का सेवा करना चाहता हूं, और जितने भी समाज है जितने भी जाति है एक होकर रहें, मिल कर रहें, यही मेरा संदेश है। भाईचारा से बढ़कर कोई चीज नहीं है, किसी के बहकावे में नहीं आना है जी। जिला परिषद से आपका नाम क्या है? अख्तर अंसारी, सावरा खातून। जिला परिषद प्रत्याशी हुए जी अख्तर अंसारी जी, जो है वो आपके प्रतिनिधि हुए सावरा खातून जी, जी, जी। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? चूड़िया। चूड़िया छाप जी। क्रमांक संख्या? 3 पर है जी। आपने देखा जो यहाँ के युवा प्रत्याशी जिला पार्षद के हैं उनका क्या कहना है, क्या सोच है, उन्होंने आठों पंचायत के लिए क्या सपने लेके आए हैं उन्होंने बताया, और अब देखते हैं, जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक है। फिलहाल बने रहे कलाल के टाइम्स के साथ, धन्यवाद। अरे ठीक है भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, इनका सब्सक्राइब कर लो, और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।